हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फादर्स डे, तो मैंने सोचा, मतलब मैंने क्या, मम्मी ने बोला है कि कुछ किया जाए। मतलब मेरा तो मन था ही, ऑब्वियसली फादर्स डे पे किसका मन नहीं होता कि अपने फादर्स को कुछ एक्साइटमेंट या कुछ उनके लिए भी स्पेशल करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि केक कटवाए, एज यूजुअल केक तो कट होना ही होना है, केक कटवा लेते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है पापा का। एज आई नो कि मेरे डैडी का तो हर साल एक ही रिएक्शन होता है, मतलब इसकी क्या जरूरत थी, ये वो मुझे नहीं पसंद है। बट लेट्स सी अगर कुछ अलग रिएक्शन मिलता है अभी उनसे कि नहीं मिलता है। एज आई कैन सी सब जगह तो यार भीड़ ही पड़ी है, गाड़ी कहीं तो लगाने मिले। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ केक लेने, देखते हैं केक कैसा मिल जाता है, बढ़िया मिल जाए कुछ। और देख रहे हैं यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही मुझे। नहीं, ये देखिए हमारे छोटे भाई मिले और एक ये, और भाई क्या हाल, हाँ भाई केक ले लेते हैं। भैया केक दिखा दीजिए, एक केक फादर्स डे के लिए है। खत्म, एक बचा है क्या भैया? भैया शॉप से जब फ्री होंगे तभी लेंगे, सही था एक ही है। लो भैया के यहाँ तो केक खत्म हो रखा है। अब क्या करा जाए, कुछ अरेंजमेंट? तीन बार माल आ चुका है, एक बचा है, बाकी एक केजी में होंगे। एक केजी पे खाने ले चार लोग हैं, हाफ के जी पे ही। चलिए फिर ठीक है, बाय, थैंक यू भैया, अब मिलते हैं कहीं और जाके केक देखा जाए। अब जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि केक हर जगह खत्म हो रखा है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो अब केक लेने मुझे मेरे पापा के ही दोस्त के शॉप पे जाना पड़ेगा, अब वहीं मिलेगी मुझे केक आई थिंक। वहाँ पे भी भगवान जी नहीं खत्म हुआ तो मिल जाए बस, वरना आज का सरप्राइज मेरे उनके लिए कम मेरे लिए ज़्यादा हो रखा है, पूरा सरप्राइज वेस्ट हो गया। यहाँ छोटे भाई भी मिल गए, वो लोग भी कुछ अपना शायद यही सब कुछ सामान ले रहे थे। बताओ, उनके पास लास्ट केक बचा था, वो भी केक अच्छा नहीं था तो मैंने लिया ही नहीं। फिर चलिए दूसरी जगह चल के देखते हैं केक, होप सो मिल जाए, मिल ही जाए यार प्लीज, वरना बहुत ज़्यादा पोपट होगा आज। फिर केक नहीं तो पेस्ट्री से काम चलाएंगे, अब कुछ ना कुछ तो करके काम चलाना ही पड़ेगा। चलिए फाइनली यहाँ केक तो है, बट भाई और फ्लेवर नहीं है, बस यही लास्ट, इधर भी लास्ट। यार ये बच्चों वाला केक लग रहा है, एकदम फादर्स डे के लिए कटवाना है, बच्चों वाला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो यार, दो जगह से मुझे निराशा मिली है, दो जगह मुझे केक नहीं मिला है, अब तीसरी जगह जाता हूँ। ये देखिए गाइस, आंटी चला रही है स्कूटी, आंटी संभल नहीं रही है, हैं रोड भी छेक के चल नहीं पूरा, ना आगे निकलने दे रही ना कुछ, क्या बताऊँ, परेशान हुआ इसे लोगों से भाई, इसे दिमाग खराब हो गया यार, आज का पूरा प्लान खराब हो गया, केक खत्म हो गया यार हर जगह। सोचा था केक कटवाऊंगा बढ़िया भाई, मतलब जो चीज सोच के चलो ना वो चीज तो होनी नहीं है, मतलब एकदम ऐसे इतना गुस्सा आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोल दूं मतलब। और घर वाले भी, मतलब इंडियन पेरेंट्स का भी नहीं समझ आता, मतलब पापा लोगों से दिक्कत क्या है भाई, आपको अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा तो करो ना आप लोग, हम लोग कितना मतलब प्यार से करना चाहते हैं कि कुछ केक कट जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन पापा लोग अरे नहीं यार ऐसा हो तुम जल्दी आना, आओ जल्दी, नहीं तो हम जा रहे खाना खा के लेटने हैं। लोग अरे केक मिली नहीं क्या करें, अब पेस्ट्री मम्मी कह रही ले आओ पेस्ट्री का, जब उनकी तबीयत भी नहीं सही है तो और उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो कह रहे बस खाना खिलाओ, मैं चला सोने। बहुत मुश्किलों से मुझे बस ये दो चीज़ मिल पाई हैं और एक आइसक्रीम मैंने ले ली है, ठीक है भैया पैक कर दो इसको आप। बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे मेरी ये पेस्ट्री और ये मिली है, जैसे तैसे जल्दी से भागा जाए घर, वरना भाई साहब डैडी बड़ा गुस्सा आ जाएंगे। ये देखो गधा आदमी, वेल कोई नहीं, केक नहीं मिला मुझे, सबने हैप्पी फादर्स डे के चक्कर में केक खा लिया है, ले लिया मतलब अपने अपने पापा लोगों के लिए। अरे अंकल घुस जाओगे क्या यार, पा यार अंकल लोग, जैसे तैसे जो मिला मुझे, मैंने एक आइसक्रीम ले ली है और एक पेस्ट्री, मतलब एक या दो पेस्ट्री ले ली है, मैंने कहा इतने में हो जाएगा, मतलब वैसे पापा खाएंगे नहीं क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी डाउन हुए हैं आज पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे सब कोई रेडी है, ये गाना चूज कर रहे हैं, मम्मी अंदर बुला रही, होप सो डैडी गुस्सा ना करें और अच्छे से हम लोगों के साथ केक कटिंग करवा लें, देखो पूरे घर की लाइट, बिजली का बिल, आशीष चलाने कहते कहते बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, हाँ मेरा बाप भरेगा, मेरा तो पिताजी जी भरेंगे भाई, उन्हीं के बिजनेस में आधा बता रहे हैं तो उन्हीं के पैसे सब हो रहा है।
जल्दी वेट करते हैं डैडी का तब तक। ये देखिए मम्मी ने आज बनाया पुलाव और वो बाकी चीज़ें रेडी। ये देखिए पूरा बढ़िया बढ़िया चीज़ बनी आज, बढ़िया खाने मिल जाएगा इसी बहाने। मम्मी चलो बुलाइए डैडी। ए इसको फाड़, इसको खोलिए भैया, इसको खोलिए। लो और अच्छा गिफ्ट तो ले आती कम से कम। अरे इन्हीं के पत्नी हैं, इनके गिफ्ट नहीं ला रही हम लोगों की तरह। तो आप बता देते थी, हमको लगा आप कुछ ला कर रखी होंगी। दोनों चॉकलेट ले आए हैं, केक मम्मी केक खत्म हो गया था हर जगह। ले आइए आप सभी लोगों को भी हैप्पी फादर्स डे। जितने भी अंकल लोग देख रहे हो, पापा लोग, आप सबके उन सबको भी हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। ये लीजिए खाइए इसे। यही कुछ छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो हम सबको जीने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा लगता है। हमें क्या गिफ्ट दिए? ओ ये लो बढ़िया गिफ्ट तो दीजिए डैडी गिफ्ट। ये देखिए हमारे इंडियन फैमिली में जो चलता है वो खाने के साथ जेठालाल तारक मेहता उल्टा चश्मा में बहुत कंपलसरी चीज़ है, तभी खाना डाइजेस्ट होगा हम लोगों का। इसी में फन है। अब चलिए खाना खाया जाए, खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। तो हम लोग अपना खाना खा चुके हैं। मम्मी बहुत बढ़िया खाना बनाया था आपने। ये देखो ये हम लोगों के इंडिया में देखो जब तारक मेहता चल रहा हो तो कैसे किसी और की बात सुनाई देगी। मम्मी खाना बहुत बढ़िया था। चलो खीर खा लेते जल्दी से, खाना तो हो गया, बहुत बढ़िया खाना बना था, खीर बहुत बढ़िया। ये देखो पोपट भाई, अब मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आराम से अच्छे से एंजॉय करता हूँ बाय। होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय। लेट मी एंजॉय दिस नाउ। Ha 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 ha!